वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। बहुत से लोगों को व्हाइट हेड्स होते हैं, किसी किसी को ब्लैक हेड्स होते हैं और किसी किसी को एकदम पिंपल जैसे दाने दाने टाइप होते हैं। तो वो ज़्यादातर नोज के ऊपर रहता है और आपके लिप्स के नीचे वाले साइड में ये वाले एरिया पे भी बहुत से लोगों को ये वाली प्रॉब्लम होती है। किसी किसी को ज़्यादा होती है, किसी किसी को मीडियम होती है, किसी किसी को होती भी नहीं है। तो गाइज, आज की टॉपिक यही है कि कैसे आप आपके ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हो। किसी किसी को ब्लैक हेड्स होते हैं और किसी किसी को व्हाइट हेड्स होते हैं, ठीक है। सो गाइज, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल इजी होम रेमेडी है, आपको एक रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज लाइक शो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक जरूर करना है। और गाइज, मैं क्योंकि नई वीडियो डालूं मेरे चैनल पे, कोई भी नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके यूट्यूब पेज पे आए। सो गाइज, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, स्टेप नंबर वन में आपको करना लेना है टूथपेस्ट, जिससे आप दांत घसते हो वो आपको लेना है थोड़ा सा नॉर्मली, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक डालना है, थोड़ा सा डालना है। और आपने जो भी यूज़ किया हुआ ब्रश है, जो आप यूज़ नहीं करते हो, उसकी हेल्प से आप इसे मिक्स कर लो और इसी के हेल्प से आपको नोज़ पे भी लगाना है। तो सबसे पहले आपको आपका नोज जो है वो क्लीन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद आपको सर्कुलर मोशन में आपको आपके फेस पे लगाना है और गाइज इसको रफ करना है और इसे बहुत ही जेंटल तरीके से करना है। ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से भी आपको इसे नहीं लगाना है, एकदम सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे आपको रफ करना है। इसे जो भी आपके नाक में गंदगी है, जो भी ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स है, वो सारी गंदगी जो है वो बाहर निकल के आएगी। और गाइज, इसको लगाने के बाद आपको नॉर्मल वाटर से आपका नोज है जो है वो आपको वॉश कर लेना है। सेकेंड स्टेप ये है गाइज, आपको गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर कॉटन का जो भी पैड है वो डाल देना है। आप कोई भी कॉटन कपड़ा भी ले सकते हो। तो गाइज, इसके बाद आपको वही बाउल में से गुनगुने पानी में से जो कॉटन डिप किया था उसको पानी निचोड़ के आपको आपके नोज़ पे रखना है। इससे आपकी जो भी गंदगी है वो बाहर आ जाएगी और आपकी जो भी पोज है वो अच्छे से ओपन हो जाएगी और आसानी होगी। और गाइज, इसे 5 मिनट के लिए रखना है और गाइज ये आपको 2 बार और करना है। तो गाइज, ये थर्ड स्टेप है और गाइज ये लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में आपको लेना है ग्राम फ्लोर एंड यानी कि चने का आटा, जिसे हम बेसन भी कहते हैं, उसकी पेस्ट बनाने के लिए उसके अंदर वाटर डालना है यानी कि पानी, और उसको मिक्स करके अपने नोज़ पे लगाना है और पेस्ट के हिसाब से ही आप उसे ठीक होने तक ही आप उसमें पानी डालिए और इसे अपने नोज़ पे अच्छे से लगा लीजिए। रफ करते, मसाज करते करते आपको इस पे अपने नोज़ पे लगाना है। 7 मिनट के लिए आपके फेस पे रखना है एंड देन नॉर्मल वाटर से वॉश करना है। सो गाइज, लुक एट दिस फाइनल रिज़ल्ट। आप मेरे नोज़ पे तुरंत रिज़ल्ट देख सकते हो लाइव डेमो कि मेरी नोज़ कितनी शाइन कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया, आप बस मेरे नोज़ पे देख सकते हो। इतनी होम रेमेडी, ईजी होम रेमेडी, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में ज़रूर बताना। देखा कितना सिंपल एंड इजी होम रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स आप एकदम इजीली घर बैठे बैठे रिमूव कर सकते हो। वैसे भी लॉकडाउन है, घर बैठे बैठे करना ही क्या है, अपनी स्किन केयर ही कर लो, है ना। और गाइज, बहुत ही छोटे छोटे टिप्स है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम होते पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जरूर होता है। तो गाइज, इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वाली रेमेडी आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल थी। सो गाइज, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, प्लीज 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 लाइक कर दो। अगर इस वीडियो को आते हैं 1000 लाइक तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो लाऊंगी Q&A। आप जो भी क्वेश्चन एंड आंसर मुझसे पूछेंगे वो वाली वीडियो मैं नेक्स्ट वाले आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइज, चलो मैं मिलते हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।